इधर पे हम वैक्स यूज करेंगे, इधर पे ऑल इन वन पॉलिश शिबा का। दोस्तों मैं टैंक की कंडीशन दिखाता हूँ, ये E20 वाला न्यू बाइक ही है, बट टैंक में ना स्क्रैचेस बहुत आ जाते हैं, यानी डलनेस बहुत आ जाता है। तो अगर आप पॉलिश और मेंटेन टाइम टाइम नहीं करते ना, तो ये प्रॉब्लम देखने मिलता है। कंपैरिजन अभी करते हैं इसका, उससे पहले दिखा दो प्रोडक्ट कौन कौन सा है। तो ये आप देख रहे हैं मोटोमैक्स का क्रीम वैक्स, ये कार्नोवा वैक्स है ये, एंड ऑल इन वन पॉलिश शिबा का, इसको ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। एंड 3M का एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, मैंने लास्ट टाइम इसका और पूरा डिटेल में वीडियो बनाया था पूरा क्लीनिंग का, बहुत सही वर्क कर रहा है। मैं अभी इसको अपनी बाइक पर रेगुलर यूज़ कर रहा हूँ। एंड मोटोमैक्स साइनर, ये भी मैंने यूज़ किया, ये भी बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। तो अभी जो है इन चारों प्रोडक्ट को जो है टैंक में करने वाले हैं, एंड यहाँ पे जो है टेप लगाते हैं, एंड हर एक जगह पे जो इसको अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप देखते हैं ये यहाँ पे जो है 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया टैंक को। इधर पे हम वैक्स यूज़ करेंगे, इधर पे ऑल इन वन पॉलिश शिबा का, यहाँ पे जो है 3M का पॉलिश यूज़ करेंगे, और इस एरिया में जो है हम मोटोमैक्स का शाइनर यूज़ करने वाले हैं। तो 1, 2, 3 पार्ट में जो है करके दिखाता हूँ आपको, एंड फिर कंपेयर करेंगे कि कौन सा सही वर्क करता है, अच्छी और क्विकली शाइन देता है। तो दोस्तों टैंक में मैंने पॉलिश किया, देखा आपने 1, 2, 3, 4 यहाँ पे मैंने जो है वैक्स किया हुआ है मोटोमैक्स का, एंड यहाँ पे जो आपने देखा शिबा का ऑल इन वन पॉलिश, यहाँ पे 3M का ऑल इन वन पॉलिश, एंड यहाँ पे शाइनर। एक्चुअल में अगर आप देखेंगे ना, तो मैं स्क्रैचेस नहीं गिन रहा हूँ, क्योंकि स्क्रैचेस तो पहले से था, बट अगर शाइनिंग की बात की जाए, क्विकली शाइन की बात की जाए, तो यहाँ पे शिबा ने भी अच्छा काम किया है, एंड यहाँ पर मोटोमैक्स का जो शाइनर है उसने भी बहुत सही काम किया। एक्चुअली मोटोमैक्स के जो शाइनर और प्रोटेक्टर है ना, वो दोनों ही प्रोडक्ट बहुत सही है, एंड ये वैक्स ने भी सही काम किया, मगर इसमें मेहनत बहुत लगती है और कहीं ना वो रह जाता है, थोड़े थोड़े पार्ट में इसको आप निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो वैक्स में ये प्रॉब्लम बहुत रहता है, ठीक है, वैक्स को अच्छे से पॉलिश करना पड़ता है, एंड उसको क्लीन भी बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, और ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, बट शाइनिंग इसकी भी बहुत ही अच्छी आ रही है। ठीक है, मैं एंगल चेंज कर बताता हूँ ताकि आपको सभी का आइडिया हो जाए। मैं स्क्रैचेस ले रहा हूँ बिकॉज स्क्रैचेस स्क्रैच रिमूवर नहीं है ऑल इन पॉलिश, एंड ये शाइनिंग आप देख सकते हैं, इसकी शाइनिंग भी अच्छी आ रही है, बट इसकी शाइनिंग जो है ना शिबा ऑल इन पॉलिश की भी अच्छी है, वैक्स की भी अच्छी आ रही है, एंड ये जो प्रोडक्ट है अपना मोटोमैक्स का शाइनर, ये बहुत सही आ रहा है। थोड़ा ये मुझे जो इस टैंक में जो प्रॉपरली काम नहीं किया 3M का शाइनर, बट मेरी इंटरसेप्टर में सही काम करता है, जो लैमिनेशन PPF है, टायर्स हैं, रबर पार्ट है, क्रोम पार्ट है, उसमें बहुत सही काम करता है, बट अगर हम साइड बाय साइड कंपेरिजन कर रहे हैं ना, तो उतना सही जो है नहीं लग रहा है। एंड मेरे लिए जो है 4 नंबर एंड 2nd नंबर, मतलब ऑल इन वन पॉलिश शिबा का, ठीक है, एंड ये शाइनर,
मोटोमैक्स का, बहुत ही सही है। ये दोनों प्रोडक्ट आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं, बट एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, ऑलवेज यूज माइक्रोफाइबर क्लोथ, कोई भी माइक्रोफाइबर क्लोथ आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही सही रहता है एंड बाइक में स्क्रैचेस भी कम आते हैं। दोस्तों वैक्स आप तब यूज़ करिए जब आपका सेटिस्फैक्ट्री टाइम हो, आपका अच्छा एकदम टाइम हो और आप अपनी बाइक को सही कर सकते हैं, तो कार्नोवो वैक्स बहुत सही प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, ये प्रोडक्ट वैसे सही काम किया बट कंपैरिजन में उतना सही जो है नहीं देखने मिल रहा, बट 3M एक बहुत अच्छी ब्रांड है एंड अच्छा पॉलिश बनाती है, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बनाती है, तो डेफिनेटली आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। तो आपके सामने ही है दोस्तों कंपैरिजन, आप देख सकते हैं। ठीक है ना, उसके हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं बाइक को। जो भी आप पॉलिश लें, अगर आपको क्विकली क्लीन करना है तो स्प्रे बेस में लीजिए, जैसे ये ऐसे दिख रहे हैं स्प्रे बेस में, वो आपके क्विकली आपके बाइक को शाइन कर देंगे। जस्ट स्प्रे करिए, शेक करिए, स्प्रे करिए एंड उसको वाइप कर दीजिए। ठीक है, एंड ऐसे जो पॉलिश होते हैं ये थोड़ा टाइम भी बहुत लेते हैं, इसको बफिंग भी अच्छा चाहिए होता है एंड साथ ही साथ ऐसा जो प्रॉब्लम होता है ना, ये जो लगने का साइड साइड में, वो भी रहता है। तो अब आपको मालूम चल गया कौन सा पॉलिश सही है, कमेंट सेक्शन में अपना बेस्ट पॉलिश लिखिए एंड नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए कंपैरिजन, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यहाँ वीडियो कैंड करते हैं, ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और देखते रहिए, बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स आपके लिए आते रहेंगे। बाय।